आज फिर सरकार और क्लर्क प्रतिनिधिमंडल की बैठक है। तीसरे दौर की बैठक में फिर से मांगों पर चर्चा होगी। थोड़ी ही देर बाद चंडीगढ़ में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 22 दिन हो चुके हैं, 22 दिन से क्लर्कों की हड़ताल लगातार जारी है और पिछले 5 दिन की अगर बात कर लीजिए तो 5 दिन से, यानी आज का दिन भी लगा लीजिए, लगातार भूख हड़ताल भी की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और आज माना जा रहा है कि ज़रूर कोई रास्ता निकल आएगा हड़ताल खत्म करने के लिए। सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। तो सरकार और क्लर्क प्रतिनिधिमंडल की ये बैठक चंडीगढ़ में, और थोड़ी ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। तीसरे दौर की ये बैठक है। इससे पहले की 2 दौर की बैठक हो चुकी है लेकिन कोई खास परिणाम निकल कर सामने नहीं आ पाया है। अब थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। 22 दिन हो चुके हैं, 22 दिन से लगातार क्लर्कों की ये जो हड़ताल है वो जारी है। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गया। रवि, क्या कुछ अपडेट है? बैठक कितनी देर में शुरू होने जा रही है? चलिए, लगता है संपर्क अभी नहीं सद पाया है रवि के साथ, लेकिन आपको अपडेट पूरा बता दें। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्लर्क प्रतिनिधि मंडल जो है वो चंडीगढ़ पहुंचा है और सरकार के साथ ये बातचीत होगी। इस बातचीत की अगर बात की जाए तो बातचीत में माना जा रहा है कि आज का जो रास्ता है बीच का कोई निकल आएगा। इससे पहले आपको बता दें कि सीएम के ओएसडी जवाहर यादव के साथ भी मुलाकात हुई थी। ये उस समय की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आज ये तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। 2 दौर की जो बैठक हुई उसमें कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया, तो आज माना जा रहा है कि ज़रूर कोई रास्ता निकाला जा सकता है, इस हड़ताल को ख़त्म करवाया जा सकता है। 22 दिन हो चुके हैं, 22 दिन से क्लर्कों की हड़ताल लगातार जारी है। ग्रेड पे जो है वो 35,400 रुपये करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में जो क्लर्क हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 22 दिन का लंबा समय हो चुका है इनकी हड़ताल को, और भूख हड़ताल भी इनकी तरफ से की गए। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। रवि, क्या कुछ अपडेट है? बैठक शुरू होने में कितनी देर? देखिए, अब से कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं दोपहर 1 बजे का इस बैठक का समय रखा गया था, अब से कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव भी मौजूद रहेंगे। क्लर्कों की वेतन मांग को लेकर इससे पहले 2 बार जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं पिछली 2 बैठकें बेनतीजा रही, उनमें कोई निर्णय जो है वो नहीं बन पाया, आपसी सहमति जो है वो नहीं बन पाई। आज ये बैठक है, उम्मीद की जा सकती है इस बैठक में सकारात्मक जो है बातचीत होगी, और कहीं ना कहीं ये तमाम जो पहलुओं पर चर्चा हुई थी, जिस प्रकार से सरकार ये कह रही है कि कुछ जो है क्लर्क होल्ड हो, या फिर यूं कह लीजिए कुछ क्लर्क जो है एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास जो है वो करें, तब हरियाणा सरकार भी आगे बढ़ करके कुछ तमाम जो चीजें हैं उसके उसको देखते हुए आगे बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं आपसी सहमति तभी बनेगी जब दोनों तरफ के जो दल हैं, चाहे सरकार की बात करें या फिर क्लर्क एसोसिएशन की बात करें, वो कहीं ना कहीं मोल्ड होते हैं। रवि, सहमति बनती है। हाँ, और रवि, 2 दौर की बैठक इससे पहले हुई है, उसमें कुछ खास बातचीत तो हुई है लेकिन खास नतीजा निकल कर नहीं आ पाया सामने। आज की अगर बात की जाए तो आज क्या लगता है कि ये जो बर्फ जम चुकी है दोनों तरफ से वो कुछ पिघलेगी? देखिए, कहीं ना कहीं मैंने अगर पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक में तमाम जो क्लर्क एसोसिएशन के मेंबर्स थे उनकी बात सुनी गई थी, किस प्रकार की उनकी मांगे हैं, उनकी मांगों का पता लगाने के लिए पहली बैठक की गई थी। दूसरी बैठक भी जो है काफी लंबी जो बैठक है वो रही, लंबी बातचीत जरूर हुई, दो चरण की बैठक हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों चरणों में कोई सहमति उस दिन नहीं बन पाई थी। अब देखने वाली बात होगी कि ये तीसरी जो बैठक है इसमें किस प्रकार की बातचीत होती है, क्या सहमति बन पाती है जी। हाँ, और खासतौर पर ये जो वेतन वाली बात है, ये वेतन को लेकर ही पूरा परेशानी बनी हुई है अभी तक 22 दिनों से, या फिर आपको लगता है कि कुछ और मांगे भी हैं इनकी, कुछ विभाग से जुड़ी हुई कुछ मांगे हों? तो देखिए, कहीं ना कहीं वेतन को लेकर ये तमाम जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, तमाम जो क्लर्क हैं वो हड़ताल पर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वेतन को लेकर ही तमाम जो पहलुओं पर पेच है वो फंसा हुआ है। इसके अलावा अगर मांगों की बात की जाए तो कोई और अलग मांग हो सकती है, लेकिन इन बैठकों में कहीं ना कहीं जो बातचीत होती है, जो चर्चा होती है, वो सिर्फ वेतन को लेकर हो रही है। इससे पहले जब रवि हमने आपसे बात की थी, 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, तो ओएसडी जो है सीएम के जवाहर यादव, उनसे आपकी कोई बात हुई हो, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है?
देखिए पिछली बैठक के दौरान उनकी तरफ से बयान जरूर सामने आया था, जब पहले दौर की बातचीत खत्म हुई, पहले दौर की वार्ता खत्म हुई, बैठक खत्म हुई, उसके बाद उनका बयान जरूर सामने आया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि जिस प्रकार से क्लर्क जो 34,500 की जो डिमांड कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरमी उनकी तरफ से भी जो है वो दिखाई जानी चाहिए। एक स्टेप वो आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप सरकार आगे बढ़ेगी, कोई बीच का रास्ता जरूर निकल सकता है, लेकिन जिस प्रकार से तमाम चीजों पर अड़े हुए हैं तो इस प्रकार से बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। इस प्रकार का बयान उनका सामने जरूर आया। चलिए एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, जैसा कि रवि हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं, क्लर्क प्रतिनिधि मंडल जो है वो चंडीगढ़ सचिवालय पहुंच चुका है, बातचीत अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, कुछ ही देर में ये तीसरे दौर की बैठक शुरू होने वाली है और माना जा रहा है कि आज जरूर जो क्लर्क प्रतिनिधि मंडल है वो थोड़ा सा यहां पर अपने तेवर जो है नरम करेगा, क्योंकि पिछले दो दौर की बैठक की अगर बात की जाए तो वहां से कोई ये जो मसला है वो सुलझ नहीं पाया, कोई रास्ता निकल नहीं पाया, तो आज इस बैठक पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि मुख्य मांग तो वेतन को लेकर ही है और 22 दिन हो जाते हैं, 22 दिन की अगर बात करें तो 22 दिन से हड़ताल चल रही है, यानी एक लंबा समय हो चुका है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ रही है तो फिर दिक्कतें बढ़ना लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लर्क जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, किसी भी विभाग की आप बात कर लीजिए वहाँ पर तो तमाम जो क्लर्कल जो काम है वो क्लर्कों की तरफ से ही किए जाते हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि ये जो तीसरे दौर की बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, माना जा रहा है कि आज जरूर कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। रवि प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है, अपडेट आपने जो दिया है अभी क्या लग रहा है कि अब बैठक जब शुरू होगी तो क्या ओएसडी पहुंच चुके हैं वहां पर, जवाहर यादव भी? चलिए लगता है अभी संपर्क टूट गया उनसे, लेकिन आपको बता दें कि अधिकारी मौजूद रहेंगे वित्त विभाग के इस बैठक में और इसके अलावा ओएसडी जवाहर यादव की अगर बात की जाए तो वो भी मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ सचिवालय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्लर्कों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंच चुका है और जो अधिकारी हैं वो तो पहले से ही मौजूद हैं, ओएसडी जवाहर यादव की भी आप बात कर लीजिए वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो क्लर्क प्रतिनिधि मंडल है ये पहुंचा है तो बातचीत का दौर बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। शास्त्री जी क्या लग रहा है कि आज बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा, लोगों की परेशानी आज से खत्म हो जाएंगी? देखो मैं तो बहुत आशा के साथ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पिछले चरण में भी हो जाना चाहिए था। हाँ जी, उस बैठक में भी मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंस में था कि होगा मामला, लेकिन उसके बाद नहीं हो बात आई कि भाई किस प्रकार कहाँ क्या है, लेकिन फिर भी आज तो मैं इस बात को मान के चल रहा हूँ कि दोनों पक्ष यदि पॉजिटिव रहे। हाँ जी, क्योंकि जब कोई बीच की बात आती है तो दोनों पक्षों को दो दो कदम आगे बढ़ने की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की ओर से कभी नेगेटिव नहीं था, लेकिन सब परिस्थितियों को देखकर और मिड सेशन की बात है, क्योंकि ये सब चीजें हाँ जी जब पे कमीशन बैठता तब ये सब चीजें होती हैं। हाँ जी, और क्लर्कों में और ये केवल इसलिए नहीं है कि भाई कल परसों पे कमीशन बैठा था उसकी रिपोर्ट सरकार के कारण से ये होगी, ये तो पिछले 35-40 साल का मामला है जो बार बार पे कमीशन ने जो है अनदेखी हुई है या कुछ इनकी जरूरत थी उससे ज्यादा होना चाहिए था। हाँ जी, वो नहीं हो पाया, लेकिन सरकार मान ली, लेकिन फिर भी एक मूवमेंट हो गया कि इतने से नीचे नहीं है, तो ये चीजें ऐसी चलने वाली नहीं होती। हाँ जी, क्योंकि पैसा लेने वाले भी हम हैं और देने वाले भी हम हैं। बिल्कुल, दोनों पक्ष कोई बाहर का नहीं है ना। हाँ जी, तो इन क्लर्क साथियों को भी इस बात को मानना चाहिए कि पैसा भी हम ही लेने वाले हैं और देने वाले भी हम ही हैं, तो बैलेंस करके बातचीत करें। सरकार कोई प्रॉफिटेबल बढ़िया की दुकान नहीं होती। हाँ जी, उसमें रिजल्ट, लेकिन बराबर सबको मिलता रहे, सबका पक्ष ठीक से चलता रहे, इस चोरी के ऊपर सरकारें चलती हैं। शास्त्री जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से तो नरम रवैया अपनाया जा रहा है लेकिन अड़ियल रवैया जो है वो क्लर्कों की तरफ से अपनाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो आज मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो केवल इतना हट के साथ जाते हैं कि उससे नीचे की बात नहीं, तो यार ये सब चीजें कोई तानाशाही की चीजें नहीं होती, ये लेने देने की चीज है। मैं कह रहा हूँ कि लेने वाले भी हम है और देने वाले भी हम है, हाँ। तो कोई बाहर का आदमी थोड़ी है।
भाई हरियाणा सरकार को देना है, हरियाणा के लोगों को देना है, तो सीमा पार से व्यक्ति आके थोड़ी लेके जा रहा है, बिल्कुल सीमा पार से थोड़ी आना है। हाँ, तो ये सब चीजों को इतने लंबे समय तक ये बात समस्या चल रही है और सरकार इसको सुलझाने के पक्ष में, तो दो कदम आगे रखना चाहिए। यदि सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके लिए कोई कोई सुझाव देता है तो उसको मानना चाहिए, सरकार मानने के लिए तैयार है। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए शास्त्री जी। मनीष खटाना जी, क्या लग रहा है यहाँ पर क्लर्कों की तरफ से अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है, इस वजह से इस मसले का समाधान नहीं हो रहा या आपको लगता है कोई और वजह? विनय जी, अड़ियल जो रवैया सरकार कह रही है ये वो क्लर्क है हाँ जो बेचारे दिन रात काम करके सारी फाइलों को पूरी करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि 9 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई वर्ग, कर्मचारी, खिलाड़ी, कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा बताएं जिसने इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ना करा हो या जिसने इस सरकार के खिलाफ धरने पर ना बैठा हो। और सरकार हमेशा धरने प्रदर्शनों को लेकर इतनी गैर चिंतित रहती है कि इनको एक एक महीना, दो दो महीने, एक एक साल तक, मतलब ये उस पे कभी उनको कहते हैं ये खालिस्तानी है, कभी कहते हैं गैर जिम्मेदार लोग हैं, कभी कहते हैं ये कांग्रेस के सिखाए हुए लोग हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि सरकार सीधे सीधे जाके बातचीत करके उसका हल क्यों नहीं निकालती। क्या सरकार बातचीत में विफल है? क्या सरकार हल निकालने में विफल है? कहीं तो सरकार मणिपुर के ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है, कहीं सरकार किसानों, अरे मैं फिर राजस्थान और बंगाल पर बोलूंगा। मनीष जी, आप अपने विषय को, शास्त्री जी आपके पास आ रहा हूँ एक बार, खटाना जी का विषय को लेकर आप मणिपुर की बात आएगी तो फिर हम बंगाल की और राजस्थान की भी बात करेंगे। ठीक है, मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम, खटाना जी मसले पर रहते हैं ना सर, मसले पर रहते हैं, कहाँ अभी क्लर्कों की बात हो रही है, बेहतर है क्योंकि अभी थोड़ी देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी, निकल कर सामने आ जाएगा। विनय जी, क्लर्क मैं तो कहता हूँ क्लर्क एक वो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्डिंग में वो नींव का पत्थर है जो किसी भी काम को करने में, उस काम को पूरा तय साथ करने में उनकी अहम भूमिका रहती बात, है सर, बिल्कुल बात सरकार सही है। का रोज का रिवेन्यू का नुकसान हो रहा है, काम काज ठप है, विकास का जो पहिया पहले ही जो पटपटरी से उतर चुका है वो पहिया बिल्कुल पंचर हो गया है। तो सरकार नहीं, तो शास्त्री जी तो ये कह रहे हैं ना कि अगर थोड़ा सा नरम रवैया अपनाएंगे तो ये निकल जाता, अब तक तो हल निकल जाता, यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती। तो नरम नरम उनको नरम करने का काम भी तो सरकार ही करेगी ना। हाँ, अगर उनकी हाँ, कोई मांग है, अगर उनकी कोई बातचीत है तो वो सरकार जो सत्ता में, बिल्कुल। हाँ खटाना जी, माफ करना मुझे रोकना पड़ रहा है, आपको अपडेट दे देते हैं क्योंकि लगातार हम अपडेट दे रहे हैं इस बैठक को लेकर, बहुत अहम ये बैठक है, ये बैठक शुरू हो चुकी है, क्लर्क प्रतिनिधिमंडल और सरकार की अगर बात की जाए, ये बैठक शुरू हो चुकी है, जो तमाम अधिकारी हैं इसमें मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव इसमें मौजूद हैं, और आज ये माना जा रहा है कि जरूर कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। 22 दिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 22 दिनों से हड़ताल पर ये लोग बैठे हुए हैं। शास्त्री जी, बैठक तो शुरू हो गई है लेकिन एक चीज आपसे पूछनी थी, जो मनीष खटाना जी सवाल उठा रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन तक बात पहुंच क्यों जाती है? शास्त्री जी, सुन रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी, कि कर्मचारी और सरकार के बीच का मांग और समाधान, हाँ जी, ये कोई नई नहीं होती और कोई एक बार नहीं होती। मैं परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं, कभी भी किन्हीं सरकारों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी सरकारों ने ऐसा कर दिया कि अगले 50 साल तक बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी मांग की बात होती है, कभी समाधान की बात होती है, कभी कुछ अड़चन होती है, तो ये सतत चलने वाला एक प्रयास है। लेकिन आज जो विषय है कि भाई ये रीढ़ की हड्डी है या नीम के पत्थर है, तो मनीष जी के समय सर के ताज थे, ये तो ऊपर बैठते थे, भाजपा सरकार आने के बाद में इनको नीम में डाला गया, ऐसा है क्या? जब आपके समय में कह रहा हूँ कि 35 साल 40 साल पुरानी ये समस्या है इनके साथ जो चली है, और यहाँ यदि आपके इस चैनल पर कभी बैठे तो पूछ लेना उनसे, हाँ जी, ये 35-40 साल पुरानी समस्या है कि नहीं है। और जब कहीं भी धरना प्रदर्शन या मांग होती है तो जिससे अपेक्षा होती है वही आता है। चलिए मैं आता हूँ सर, आता हूँ। ये मतलब आता है कि जब कठोर आदमी है, कठोर हृदय वाला है, ये तब से मत नहीं होगा तो वहां कोई भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, दोनों तरफ से मांग जैसे पर पूछता है। विनय जी, नो विजन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास कोई विजन नहीं है। 9 साल से गवर्नमेंट के कार्यकाल में हर वर्ग का आदमी, हर कर्मचारी दुखी है, आहत है,
और जिस तरीके से गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट लेती नहीं है। जब वो चीजें खराब हो जाती हैं, धरने प्रदर्शन जब बढ़ जाते हैं, काम का खप जाता है, हरियाणा राजस्व की जब हानि होने लगती है, यही कारण है कि हरियाणा पे कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की नाकामयाबी है, ये उसका रिजल्ट है। सरकार को चाहिए कि तुरंत संज्ञान में ले और तुरंत ठीक है संज्ञान तो ठीक है। बातचीत चल रही है, हमारे साथ चितरंजन साहू साहब जुड़ गए हैं, CAWS के उपप्रधान हैं। साहू साहब क्या लग रहा है, आज मसला सुलझ जाएगा? बिल्कुल सर, हमें तो इसी उम्मीद के साथ मीटिंग में जा रहे हैं, पूरे पॉजिटिव रवैये के साथ जाएगा हमारा डेलीगेशन मीटिंग में। हाँ। और हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं भी अपना दिल बड़ा करे और हमारी जो मांग है वो जायज मांग है उसको पूरा करे। नहीं, सरकार की तरफ से तो ये कहना है दिल आपको बड़ा करना है, उधर से तो नरम रवैया अपना है। दिल बड़ा करके ही जा रहे हैं ना, सरकार ही बहानेबाजी कर रही है, हमने तो पहले ही दिन बता दिया था, सारे तथ्य प्रस्तुत कर दिए। हाँ। अब कह रहे हैं व्यवहारिक है, और सर हमने अगर 44,900 मांगा होता फिर तो कहते भी है व्यवहारिक है। शास्त्री जी एक बार ले लेते, मैं आऊंगा आपके पास जवाब लेते। हाँ जी करिए। हाँ बात कह रहा हूँ सर, अगर हम अव्यवहारिक होता तो हम कोई बात करते भी, बिल्कुल व्यवहारिक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जायज है, एफडी की इंस्ट्रक्शन हमने साथ दी हुई है, एफडी से हमने आरटीआई में जो भी सूचना ली हुई है वो सारी हमने तथ्यों के साथ प्रस्तुत की है। और मिनिमम हमारा 35,400 बनता है और सरकार दिल बड़ा करके 35,400 की जो मांग है हमारी आज पूरी कर दे, हम तुरंत ऑफिस में। नहीं तो पिछली दो बैठकों में क्या कहा गया आपसे, कुछ तो कहा गया होगा कि आप ये करें, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही होगी आपकी? सर बीच का रास्ता वही तो मैं कह रहा हूँ, बीच का रास्ता बनता क्या है, हमने 44,900 मांगा होता तो 35,400 बीच का रास्ता बन जाता। हाँ। हमने मांगा बिल्कुल जायज है तो उसमें बीच का रास्ता निकलने वाली कोई कहानी पैदा नहीं होती, हमने पूर्ण तथ्यों के साथ अपना जो आठ किसको कहते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप सबको रोकूंगा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा सरकार क्लर्कों की मांगे फिलहाल नहीं मानने वाली है, 34,500 ग्रेड पे की मांग सरकार नहीं मानेगी, बड़ी खबर इस वक्त की। क्लर्कों की हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव का यह बयान सामने आ चुका है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बैठक के बाद पूरी स्थिति और साफ हो जाएगी, लेकिन बैठक से पहले जवाहर यादव का यह बयान सामने आ गया है कि फिलहाल जो ये मांग है वो नहीं मानी जाएगी, हम क्लर्कों को पंजाब यूपी राजस्थान हिमाचल से ज्यादा पैसे दे रहे हैं और जो ये मांग उठाई जा रही है क्लर्कों की तरफ से वो फिलहाल नहीं मानी जाएगी। ये बहुत बड़ा अपडेट हमको बता रहे हैं आपको, बैठक अभी शुरू हो गई है, उसके बाद और पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। 34,400 रुपए जो ग्रेड पे की मांग की जा रही है उसको सरकार फिलहाल नहीं मानेगी। चितरंजन साहू साहब, इस बैठक से पहले ही बयान सामने आ गया ओएसडी साहब का? सर पहले तो सरकार ये स्पष्ट करे, पंजाब राजस्थान यूपी से ज्यादा दे रहे हो, बाकी कर्मचारियों भी तो आप ज्यादा दे रहे हो। पंजाब में जेबीटी का स्केल 29,200 है, यहाँ पे 35,400 है। पटवारियों का जो स्केल है पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है। जो MPHW का जो स्केल है अभी पीछे रिवाइज किया है सरकार ने, वो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है। क्लेरिकल इतना काम करते हैं, उन वाली सब डिमांड आ गई। नहीं फिलहाल तो आप मैं साहू साहब ये कह रहा हूँ, आप अपनी मांग पे अड़े हुए हैं जिसकी बात कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे। अगला कदम फिर क्या होगा, अब ये बैठक में जा रहे हो? वो मीटिंग हो जाती है सर, मीटिंग में हम पॉजिटिव रवैये के साथ जा रहे हैं। अगर मीटिंग में कोई सहमति नहीं बनती है तो हमने आगे की रणनीति तैयार कर रखी है, हम उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, शास्त्री जी क्या कहेंगे, बैठक से पहले बयान सामने आ गया जवाहर यादव जी का और उसे देखकर तो लग रहा है कि जो रवैया है वो आप दोनों तरफ से ऐसा ही नजर आ रहा है। देखिए मैं पहले कह चुका, आपके इस बयान आने से जवाहर यादव जी के बयान आने से पहले मैंने कहा कि दो कदम यदि पीछे नहीं है तो हट किसको कहते हैं। हट शब्द किसके लिए, जो परसों था वही कल था वही आज है, इसका मतलब हट है। सरकार जब कह रही है कि अरे सुनो भाई सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ हट किसको कहते हैं, जो परसों था वो कल था वो और आज था वो एक ही है, उसे कुछ परिवर्तन नहीं होना। ठीक है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बिल्कुल शास्त्री जी माफ करना, रोकना पड़ेगा एक बार, जरा जवाहर यादव की पहले बाइट सुनवा देते हैं, उनका बयान सुनवा देते हैं आपको जो उन्होंने दिया है इस बैठक से पहले। देखिए हम तो तीसरे दौर की तो नहीं कहूंगा, पहले मीटिंग में तो केवल इन्होंने अपना मुद्दा मुझे समझाया था, हम दूसरी बार उस ढंग से मिल रहे हैं, तो इसमें हमारा स्पष्ट मानना है, हम क्लर्क को अपने आसपास के जितने राज्य हैं, पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, राजस्थान है, इन सबसे ज़्यादा ऑलरेडी दे रहे हैं। हमने इनके लिए एक प्रपोजल इनको दिया था, उसमें ये सहानुभूतिपूर्वक अगर उस पर मानते हैं तो हम निश्चित रूप से
उनके कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 34,500 नहीं हो सकता, हमने पहले दिन ही बता दिया था। और दूसरा, ऑलरेडी जो इनके समर्थन में खड़े हैं, हुड्डा साहब खड़े हैं, तो हुड्डा साहब वो हिमाचल में लागू करा दे। आम आदमी पार्टी हरियाणा खड़ी है, सुशील गुप्ता जी या जो उनके कोई है ढांडा जी, वो इनके पक्ष में बोलते हैं, तो पंजाब में वो लागू करा दे। आज भी हरियाणा क्लर्क में अगर सबसे अधिक पे कर रहा है अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य में, तो हरियाणा कर रहा है। उसके बावजूद भी हम उसमें बढ़ोतरी करने को तैयार है, तो ये क्लर्क को समझना होगा। और मुझे लगता है कि क्लर्क में अधिकांश क्लर्क इस चीज़ को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सकारात्मक, अगर उन्होंने भी थोड़ा भी सकारात्मक रुख किया तो ये मुद्दा आज खत्म हो जाना चाहिए। क्या ऑफर है सर आपकी तरफ से? ये एक बार वहाँ का डिस्कशन का विषय है, वो उनके सामने बैठ के होगा। मीडिया के लिए मीटिंग के बाद क्या होगा वो बताने के लिए है, अभी तो वो उनसे डिस्कस करने का विषय है। उनका सर ये कहना है कि MPHW हो, JBT हो, कई ऐसी भर्तियां रही हैं जो पिछले कई दशकों में जो है इक्विवेलेंट थी, और आज उनका जो पे स्केल है वो 34,000 के आसपास है। नहीं, जैसे वो पटवारी कहते हैं, परंतु 13-14 में ही पटवारी की जो न्यूनतम शिक्षा थी वो स्नातक है, ग्रेजुएशन है, इनकी 12th है। तो कोई ना कोई विसंगतियाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों डिपार्टमेंट की खत्म की है। जहाँ की क्वालिफिकेशन इनके समान है, वहाँ आज भी सभी अड़ोस पड़ोस के राज्य में सबसे अधिक हरियाणा उनको पे कर रहा है। सर, राजस्व को भी नुकसान हो रहा है सरकार के, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि करोड़ों का जो नुकसान है सरकार? मुझे लगता है वो विषय नहीं है, आधे एक घंटे में पता ही चल जाएगा सारी विषय। धन्यवाद।